अखां विच सुरमा काला ते बुल्लां ते लारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ दी जिवें टुट दे तारे नी। जी हाँ, टूटे दिलों की यही कहानी। और मुझे लगता है जितनी जल्दी ये बात मन में डाल लो कि रेहानी एतबार सोनी है, रेहानी एतबार तुम्हारे लिए बहुत सही है। आज हम इसी गाने को ब्रेक डाउन यानी कि डीकंस्ट्रक्ट करके देखने वाले हैं गाना कैसे बने। गाने का नाम है नो लव, कोई प्यार नहीं है भाई। आर्टिस्ट है शुभ। गाने का टेम्पो है 137 और ये फॉल करता है ड्रिल जॉनर के। इस वीडियो में आपके लिए हल्का सा ट्विस्ट लेकर आए, हमने वायलेंट के सैंपल को फ्लिप करके इसके अंदर इन्फ्यूज करने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फ्लिप कैसा लगा कैसा नहीं। और एक खबर आप लोगों को देनी थी, हम लोग लेकर आ रहे हैं फ्री वेबिनार, वो भी वोकल प्रोसेसिंग के ऊपर, जो कि आप बहुत देर से कह रहे थे कि हमें सीखना है सीखना है सीखना है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन करें आपके साथ और लाइव सिखाएं। ये होगा 25 दिसंबर को। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कब होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी डिटेल्स कब होगा कैसे होगा कितने बजे होगा वही मिलेंगी। वेल, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द प्रोजेक्ट और देखते हैं गाना कैसे बना है। आइए रिदम सेक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं हाई हैट्स, बिकॉज ये ड्रिल है तो थोड़ा किक के साथ स्टार्ट करूंगा, समझ सा नहीं आएगा। थोड़ी सी मेटेलिक साउंड है, इसी को लेयर देते हैं शेकर्स के साथ। उसके बाद ऐड करते हैं एक मेटेलिक स्नेयर। साथ ही में इसको लेयर देते हैं एक और स्नेयर के साथ, जिससे वो पंचीनेस और क्लिकीनेस जो ड्रिल जॉनर के ड्रम्स में होती है वो बाहर आएगी। और ऐड करते हैं एक किक। इसी के साथ हमारी बेसिक रिदम तैयार हो जाती है। अब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे, कुछ कुछ चीजें जो कि रिदम को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। सबसे पहले है हाई हैट के रोल्स, उसी के साथ ऐड करते हैं एक गन शॉट जिसमें डिले दिया हुआ है क्वार्टर नोट का। ये काफी ड्रिल सॉन्ग्स में आपको ये साउंड मिल जाएगी। और गाने को पुश देने के लिए ऐड करते हैं क्रैश, यहां रिवर्स किया हुआ मैंने इसको। और इसी के साथ हमारी रिदम कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है हमारी 808 बेसलाइन की। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ड्रिल जॉनर की 808 के लिए। मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जब भी आप इसके लिए बेस चूज करें तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी जो बेस की बॉडी है ना वो मिड्स में लाए करती है। कैसे, मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने EQ सिर्फ इसलिए शो किया ताकि मैं आपको एनालाइजर में दिखा पाऊं बेस कैसा साउंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं मेरा 808 का जो स्ट्रक्चर है वो 100 से लेके 500 तक कितना ज्यादा है। यूजली हम क्या कहते हैं कि यार मुझे लो एंड चाहिए, बेस हैवी, वोम वोम चाहिए। इसके अंदर एक्चुअली मुझे 100 से 500 तक चीज चाहिए, बिकॉज ये फोन से बहुत अच्छा कट थ्रू करती है, ओवरऑल मिक्स में बहुत अच्छा कट थ्रू कर जाती है। उसके बाद इंट्रो में आती है हमारी एक रीस बेस लाइन। और अब बढ़ते हैं हम अपने मेलेडी सेक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं एक विसल की साउंड। ये मैंने लॉजिक की स्टॉक साउंड यूज करी है। इसको मैंने हल्का सा लेफ्ट को पैन किया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा गिटार का सैंपल, जो कि हमें बड़े मुश्किल से मिला है। उसके बाद आगे जाके जब हमारा कोरस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आती हैं कुछ बेल्स, और वो भी स्पेशल ग्लास बेल्स आती हैं, जो कि बहुत टीनी टाइनी साउंड करती हैं। कैसी हैं? राइट को पैंड है। ये मिक्स में बहुत पीछे छोड़ी गई है। अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें ऑन करूं तो एक बारी सुन के देखें तो कहां पे लाए करता है ये। रुका,
सजावट के लिए थोड़ा सा खेद है। अगर आप लोग हमसे किसी भी तरीके की सर्विसेज चाहते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग, वोकल प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर सॉन्ग्स और इवन वीडियो एडिटिंग, तो आप हमें नीचे दी हुई आईडी पे डीएम कर सकते हैं और इंक्वायरीज ले सकते हैं। ये तो हो गया जो कि इस गाने के अंदर चीजें थी। इसी के साथ अगर मैं वोकल ऑन करूं तो गाना मेरा तैयार हो जाता है, लेकिन भाई हम ऐसे कैसे इसको जाने दें। तो हमने सोचा कि यार जब इतनी मेहनत करी दी है तो इसके अंदर थोड़ी सी अपनी वाइब छोड़ते हैं। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो ऐड करी एक लीड साउंड, और उसके बाद भाई हमने यहाँ पे करा है वायलिन के सैंपल को फ्लिप। पहले तो मैं आपको ये ओरिजिनल सैंपल सुनाता हूँ, ये बिना मेरी प्रोसेसिंग के कैसे साउंड खुजता है भैया जी हमारे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेराटो सैंपलर यूज किया, मुझे इसकी सारी चीजें बहुत सही लगती हैं। तो ये ओरिजिनल सैंपल था हमारा ऐसा, लेकिन इसको हमने क्या किया, इसको हमने पहले तो डबल स्पीड कर दिया। तो इसमें ये साउथ इंडियन म्यूजिक का फ्लेवर भी आ गया और ये डबल स्पीड होकर एक वाइब भी देने लग गया। उसके बाद आते हैं हम अपनी प्रोसेसिंग के अंदर। मैंने इसके अंदर इतना फ्लिप करा भी नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग सैंपल फ्लिपिंग पे एक वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करो, हम वो भी लेकर आएंगे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया एक EQ, मुझे अब इसका साउंड डिजाइन तो करना था, जो कि मैं FX से कर रहा हूं। तो मुझे लोज भी काट दिए, हाइस भी काट दिए, मिड्स भी स्कूट कर दिए, एक डेफिनेट साउंड मिल गई जिसको मैं अचीव करना चाह रहा था। इसके अंदर ऐड किया डिस्टॉर्शन बहुत ही हल्की सी, और उसके बाद मैंने हॉर्स इफेक्ट इसके अंदर ऐड किया, HASS, हॉर्स हॉर्स, जैसे भी तुम इसे प्रोनाउंस करना चाहते हो। ये इसके अंदर कुछ नहीं करते हैं हम, सिर्फ लेफ्ट चैनल और राइट चैनल में हल्का से डिले दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारी साउंड हो जाती है वाइड, बहुत ही वाइड। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिससे आप वाइड कर सकते हो साउंड को, लेकिन मुझे ये जो अचीव करके देता है वो कहीं नहीं मिलती। आप सुन सकते हैं, पहले AB करके सुनते हैं, ये है ऑफ, और ऑन करते ही फैल गई। अगर तुम हेडफोन्स पे हो तो तुम्हें जरूर ये समझ आएगी कितना फैला कितना नहीं। इसके बाद कुछ नहीं, मैंने हल्का से एक टेप डिले दिया है क्वार्टर नोट का, और उसके बाद मैंने ऐड किया एक हल्का सा रिवर्ब। इसी के साथ हमारी होती है पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट और एलिमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें हल्की सी एक और ट्रिक डाली है, मैंने जो हमारा वोकल इफेक्ट्स था ना उसको मैंने चॉप कर करके एक प्लगइन के थ्रू ऐसा साउंड करवाया है। तो तुम्हारा भाई एक्चुअली प्रोडक्शन छोड़ के हल्का सा चीचू चीचू डीजे बन गया है, और ये चीजें करी है मैंने इसमें। तो इसी के साथ सारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। आइए सुनते हैं पूरा गाना एक साथ कैसा साउंड करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप वर्कशॉप के लिए सीरियस हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं मेरे और शिवम के साथ, और कोशिश करेंगे हम और भी हमारी टीम मेंबर्स को लेकर आए, तो जरूर वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे पर्सनल DM कीजिए, रिएक्शन TV की ID पे मैसेज कीजिए और रजिस्टर कीजिए आज ही 25th December, याद रखिएगा डेट। और आइए सुनते हैं पूरा गाना एक साथ कैसे साउंड करता है। बाय। अक्खां विच सुरमा काला, बुलां ते लारे नी, मूंह ते मुस्कारा झूठा जो परदे पावे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।